Hello friends, myself Swati. Welcome back to our channel Miles and Smiles Holidays. Friends, जो नए subscribers हैं उनके लिए एक बार फिर से repeat कर रही हूँ कि हमने एक travel series start की है जिसमें हम बहुत सारे worldwide destinations को cover करते हैं, tourist destinations को and उनसे related सारी information आपको देने की कोशिश करते हैं so that in future कभी भी आप वहाँ का travel plan करते हैं तो आपके लिए वो destination easy हो जाए और वहाँ से जुड़ी जो भी चीज़ें आपको जानने के लिए ज़रूरी हैं वो सारी हम इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं. सो फ्रेंड्स, आज का हमारा हॉट पिक डेस्टिनेशन है यूनाइटेड किंगडम. यस, यूके, यू कॉल इट, बहुत हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन है लोगों के लिए, बहुत चार्म है यूके का. एंड उससे रिलेटेड क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए वहाँ जाने से पहले, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के वीडियो में. आज का वीडियो हमारा होगा एक ओवरव्यू जिसमें हम बहुत सारी बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, लाइक वीज़ा, करेंसी, वेदर, कौन सा टाइम पे आपको प्लान करना चाहिए, यूके कितना स्प्रेड है और किस तरह से अपने को वहाँ का ट्रैवल प्लान करना चाहिए. सो स्टे ट्यून्ड, हमारा आप ये वीडियो कंटिन्यूस देखते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. सो फ्रेंड्स, जैसा किसी भी ट्रैवल के लिए फर्स्ट स्टेप रहता है वीज़ा अप्लाई करना. यूके का वीज़ा अप्लाई करना ऑनलाइन प्रोसेस है, उसका लिंक हमने साथ में शेयर किया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन हैव अ लुक टू इट. एंड उसमें अगर आपको हमारा किसी भी तरह से असिस्टेंस चाहिए तो आप हमारे नंबर्स भी स्क्रीन पर शेयर्ड हैं, हमें अप्रोच कर सकते हैं. फ्रेंड्स, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग रहता है एंड उसके लिए फिजिकली आपको एक अपॉइंटमेंट जनरेट करके जो सेंटर रहता है उनका वहाँ पर आपको विजिट करना पड़ेगा. फीस इसका रहेगा समवेयर 8000 इंडियन रुपीज़ के अंदर. नॉर्मली जो इसका प्रोसेसिंग टाइम रहता है वो 15-20 डेज का दे क्लेम, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि आपको एक से डेढ़ महीने का मार्जिन लेके चलना चाहिए. आपके ट्रैवल जब भी आप प्लान कर रहे हैं उससे डेढ़ महीना पहले कम से कम इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें. एक्सप्रेस वीज़ा में वो दे क्लेम कि 7-14 डेज में मिल जाता है, बट ट्रस्ट मी ऑन दैट कि आप अगर अपना पैसा उसमें सेव कर लें क्योंकि वो डबल से ज़्यादा चार्ज होता है, सो इट्स बेटर कि यू सेव योर मनी एंड नॉर्मल वीज़ा के लिए अप्लाई करें. फ्रेंड्स, यूके वीज़ा के अंदर आप कौन कौन सी कंट्रीज़ कवर कर सकते हैं? चार कंट्रीज़ हैं जिनको आप यूके वीज़ा में कवर कर सकते हैं. दे आर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, सम पार्ट ऑफ आयरलैंड, दैट इज़ नॉर्दर्न आयरलैंड, उसका कुछ पार्ट है आयरलैंड का जो आप कवर कर सकते हैं, एंड वेल्स. ये चार कंट्रीज़ हैं जिनको आप यूके वीज़ा में कवर कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, नाउ वी हैव द वीज़ा. बात करते हैं कनेक्टिविटी की. इंडिया की सारी मेजर सिटीज़ से यूके की ऑलमोस्ट सारी मेजर सिटीज़ के लिए बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है. डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं ऑलमोस्ट सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूके की सारे मेजर सिटीज़ के लिए, स्पेशली लंदन, एडिनबरा, मैनचेस्टर एंड आयरलैंड के भी सिटीज़ जो हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है. डायरेक्ट फ्लाइट्स भी आपको मिल जाएंगी. ट्रैवल टाइम डिपेंड करता है समवेयर बिटवीन 9 to 13-14 आवर्स, डिपेंडिंग कि आप कौन सी सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, कौन सी सिटी के लिए ट्रैवल कर रहे हैं. फ्रेंड्स, जब आप अपना ट्रैवल प्लान कर ही रहे हैं तो आई पर्सनली वुड सजेस्ट यू कि आप एक ट्रैवल के लिए सर्किट बनाइए. आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप क्या इस वीज़ा के ऊपर जो कंट्रीज़ को हम कवर कर सकते हैं सारी अगर आप कवर करना चाहते हैं एक ही साथ, या आप सेपरेटली कवर करना चाहते हैं. अगर आप सारी कवर करना चाहते हैं सो अपना एक एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट बना के एंड स्मूथ ट्रैवल के लिए एक प्रॉपर सर्किट डिज़ाइन कीजिएगा. सब फ्लाइट्स का जो अप्रॉक्सीमेटली फेयर रहता है वो वेरी करता है समवेयर बिटवीन 40 to 60-65 thousand, डिपेंडिंग कि आपने कितनी जल्दी फ्लाइट बुक कराई है एंड कौन सी एयरलाइन करवाई है. नाउ कम्स दी करेंसी. करेंसी ब्रिटेन का है GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड. ये इंडियन रुपीज़ में अगर हम बात करें इसका कन्वर्जन तो इट इज़ प्रिसाइसली 95 rupees, जो वेरी करता है समवेयर 90 rupees to 100 rupees के बीच में. डिपेंड्स आपका कब का ट्रैवल प्लान है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको चेक कर सकते हैं. फ्रेंड्स, कुछ कैश पाउंड्स के अंदर अपने साथ में ज़रूर कैरी कीजिएगा एंड अदरवाइज देर इज़ नो वरी बिकॉज सारे इंटरनेशनल डेबिट्स एंड क्रेडिट कार्ड्स वहाँ एक्सेप्टेबल हैं. सो कार्ड के साथ में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. नाउ कम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लैंग्वेज इन द फूड. ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की इंग्लिश है पूरे यूके की एंड इंग्लिश ही मोस्टली बोली जाती है. दो यू कैन गेट सम लोकल हेल्प, बहुत सारे इंडियंस और पाकिस्तानीज वहाँ पे हैं. सो कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा कंफर्टिंग जोन मिल सकता है उनके साथ बात करने में. अदरवाइज मेजरली इंग्लिश इज़ दी ऑफिशियल लैंग्वेज एंड यू हैव टू बी
नोन टू बेसिक इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश में कम्युनिकेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रही बात फूड की, तो सारी जो मेजर सिटीज़ हैं उनके अंदर इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको बहुत ईजीली मिल जाएंगे। दो थोड़े से वो एक्सपेंसिव हो सकते हैं बिकॉज करेंसी का ही रेट इतना ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दैट, बट जो अगर आप कंट्री साइड जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा फूड का चैलेंज रह सकता है। वेजिटेरियन ऑप्शंस एंड नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट व्हेन यू टॉक ऑफ ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट वो मिलने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा, बट देन अगेन वी आर ऑन अ ट्रैवल सो ये सब तो पार्ट ऑफ ट्रैवल है। नाउ कम्स विद इन यूके कनेक्टिविटी। विद इन यूके कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तब हम इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, इंटरसिटी कनेक्टिविटी एंड विदिन सिटी कनेक्टिविटी। फर्स्टली विल टॉक ऑफ इंटरसिटी कनेक्टिविटी। यूके पूरी तरह से बहुत वेल कनेक्टेड है मेट्रो से, बसेस से एंड फ्लाइट से भी। यस, वहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट ट्रेन्स भी हैं जो कि बहुत हाई स्पीड ट्रेन्स हैं और बहुत अच्छे से पूरे यूके को कवर करती हैं। ग्राउंड नेटवर्क बहुत अच्छा है और फ्लाइट्स भी बहुत अच्छी इंटरकनेक्टेड, जो विद इन सिटी है बहुत अच्छी फ्लाइट्स चलती हैं, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन, और उनको आप अगर टाइम पर बुक करवाते हैं तो आपको शायद फ़्लाइट्स जो हैं वो ट्रेन्स की रेट से भी सस्ती पड़ सकती हैं। सो डिपेंड्स कि आप अपना ट्रैवल कितना जल्दी प्लान करते हैं और उस अकॉर्डिंगली आप उनकी बुकिंग्स करवा सकते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, ये बात हो गई हमारी इंटरसिटी कनेक्टिविटी की। अब हम बात करते हैं विद इन सिटी कनेक्टिविटी। यूके की मेजरली सारी सिटीज़ बहुत अच्छे से मेट्रो एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसकी हम बात करें वो उनका बहुत अच्छा है। सारी अगर हम बात करें टैक्सीज भी बहुत चलती हैं वहाँ पे, प्राइवेट टैक्सीज भी हैं, गवर्नमेंट की जो उनकी टैक्सीज रहती हैं वो भी हैं। ऐप्स आप डाउनलोड करके भी कैब्स हायर कर सकते हैं एंड मोर ओवर वहाँ पे कार रेंटल भी अवेलेबल है। अगर आप सेल्फ ड्रिवन में जाना चाहते हैं तो आप कार हायर कर सकते हैं वहाँ पे। यस, ऑफ कोर्स उसके लिए आपको एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इंडिया से बनवा के जाना पड़ेगा। दैट यू कैन अप्रोच अस कि किस तरह से उसको करना है, हम आपको गाइड कर सकते हैं उसके लिए। एंड सारी मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे हॉप ऑन ऑफ ऑफ बसेस का बहुत ज़्यादा चलन है, जो कि सिटी टूर बसेस होती हैं, उनके पासेस बनते हैं 1 day, 3 day, 5 day, इस तरह से वेरी करते हैं आपका कितने दिन का ट्रैवल है, अकॉर्डिंगली आप वो पास बनवा सकते हैं। उनमें आपका कितनी भी बार चढ़ना उतरना फ्री रहता है और वो मेजरली सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कवर करती हैं एंड बहुत सारी बसेस होती हैं जो हर 5 से 10 मिनट के इंटरवल पे आपको मिल जाती हैं। एंड सारी मेजर सिटीज़ के अंदर ट्रैवल कार्ड्स बन जाते हैं। अगर आप ज़्यादा दिन वहाँ रुकने वाले हैं तो आप अपना ट्रैवल कार्ड बनवा सकते हैं, उससे आप चाहे मेट्रो चाहे बस कोई सा भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं और बहुत बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है दोनों चीज़ों का। एंड उसके अलावा आई वुड रिकमेंड कि आप फुटस्टेप्स पे कवर कीजिए आसपास की जगहों को, वो आपको बहुत अच्छे व्यूज़ देगा और उसके साथ में आपका टाइम बहुत सेव करेगा बिकॉज वेट करना नहीं पड़ेगा आपको किसी भी चीज़ के लिए। मेजरली कैब्स जो हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव रहती हैं। सेल्फ ड्रिवन के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो विद इन सिटी आई वुड नॉट रिकमेंड सेल्फ ड्रिवन बिकॉज जो पार्किंग का है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बड़ी सिटीज़ हैं, बहुत क्राउडेड हैं, पार्किंग्स फ्री पार्किंग्स बहुत ईजीली अवेलेबल नहीं रहती हैं। एंड जब हम पार्किंग चार्जेस की बात करते हैं तो अगर हम कंपेयर करें बहुत हाई चार्जेस रहते हैं और गलत जगह पार्क करने की पेनाल्टीज उससे भी ज़्यादा हाई हैं। सो बहुत कॉशियसली हमको रहना पड़ता है बिकॉज वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन से बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आपको वहाँ पे पेनाल्टीज बहुत हाई चार्ज होती हैं और पे भी करनी पड़ती हैं। सो देर इज़ नो एस्केप। सो आई वुड रिकमेंड कि आप कैब्स और सिस्टम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आप वहाँ पे यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा एज अ टूरिस्ट। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल यूके, आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप अप्रैल से लेके अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक तक का अपना ट्रैवल प्लान कीजिए इस ड्यूरेशन के बीच में, बिकॉज इस समय पे समर्स रहती है, विंटर्स इतनी ज़्यादा नहीं होती है, टेम्परेचर्स तब भी हमारे यहाँ के हिसाब से विंटर वाले होते हैं, ऑलमोस्ट 11 to 15 degrees, 16 degrees के टेम्परेचर्स रहते हैं, हाईएस्ट जाता है 18-20 degrees तक, एंड बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलती है, डे लाइट्स बहुत देर तक रहती हैं, ऑलमोस्ट रात को 9-10 बजे तक सनसेट होता है, मतलब वहाँ के भी 9-10 बजे तक, नॉट इंडियन टाइम, वहाँ के भी 9-10 बजे तक रात को सनसेट होता है एंड उसके बाद में भी आपको मतलब बहुत अर्ली मॉर्निंग से लेकर रात तक आपको बहुत अच्छी सनलाइट डे लाइट मिलती है एंड उसकी वजह से आपका ट्रैवल बहुत अच्छा रहता है।
आज हमने बात करी एक बेसिक ओवरव्यू में यूके ट्रैवल के बारे में, जो बेसिक्स आपको जानने चाहिए थे वो हमने आज आपके साथ शेयर किए हैं। अपने अगले वीडियोस के अंदर हम बहुत सारे बहुत सीनिक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस कवर करने वाले हैं यूके के। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। एंड फ्रेंड्स, आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप अपनी तरफ से अपने आउटपुट में कुछ हमें देते हैं कि अगर आप किसी डेस्टिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, एंड आप अगर चाहते हैं कि हम वो डेस्टिनेशन पहले डिस्कस करें, तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। एंड हम उस पर वीडियो आपके लिए पहले ला के देंगे, पहले आपके लिए वो वीडियो प्रेजेंट करेंगे। सो प्लीज़, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स के अंदर आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।